वॉशर, इसको लोग आमतौर पर ग्लास वॉशर भी बोलते हैं। इसका मॉडल है HPWR14008। ये 1400 वॉट का जो है इसमें मोटर लगा हुआ है। पावर है इसकी 220-240 वोल्ट 50-60 हर्ट्ज के अंदर। आरपीएम है इसका 16,800 और इसका जो बार है वो मैक्सिमम 130 बार है और लगभग जो है 1900 PSI है। 5.5 लीटर पर मिनट इसकी कैपेसिटी है। इसके साथ आपको जो है एक गन और एक जो है पाइप, ये कंपनी इसी के साथ देती है। 5 मीटर का पाइप होता है इसके अंदर। इसको मैं खोलकर भी दिखाता हूं आपको। चलिए इसको खोलकर देखते हैं। ये आपका यूजर मैनुअल और साथ में एक पिन है इसके अंदर क्लीनिंग के लिए। और ये आपकी जो है नोजल है आगे का। ये 5 मीटर पाइप है और साथ ही में ये आपकी गन है और ये आपका कार वॉशर है। इसके अंदर एक एडाप्टर है पाइप को लगाने के लिए और साथ में एक्सेसरीज है होल्डर। ये आपका रहा कार वॉशर। यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ की स्विच दी हुई है। ये इस तरफ ऑन होता है, इस तरफ ऑफ होता है, जीरो। और ये नीचे जो है इसके जो पाइप आपका गन के साथ कनेक्ट होता है वो पाइप यहाँ पे दिया गया है कनेक्ट करने के लिए। इस तरह ये कनेक्ट होता है। हल्का सा पुश कर दीजिए और इसको टाइट कर दीजिए। हाथ से इजीली टाइट हो जाएगा ये। उसके बाद देख सकते हैं आप, ये इसका जो दूसरा एंड है वो आप गन के साथ कनेक्ट होगा। ये ब्रास का है और ये आपकी गन है। गन को भी खोल लेता हूँ। ये आपकी गन है। गन में यहाँ पे जो पाइप का दूसरा एंड है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। इसको हल्का सा पुश करेंगे और ये आपका ब्रास का एंड है जो यहाँ पे कनेक्ट होगा। इसको हल्का सा पुश करके इसमें इंसर्ट कर देंगे और उसके बाद इसको छोड़ देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। अब ये इसके अंदर से निकलेगा नहीं। उसके बाद जो है आपका ये नोज़ल है, ये यहाँ पे भी हल्का सा पीछे की तरफ पुश करके उसके बाद जो है रोटेट कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ये आपकी कंप्लीट गन जो है रेडी हो गई। गन का जो ये नोज़ल है आगे देख सकते हैं आप, जो है यहाँ पे जो है इसको प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए दिया है। ये अपने अकॉर्डिंग आप जो है इसको लेफ्ट राइट करके जो है प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको पानी का कनेक्शन देने के लिए मशीन की जो है पीछे की साइड जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, वाटर इनलेट कनेक्शन के लिए दिया हुआ है। और इसमें जो है ये कनेक्टर लगता है पाइप को लगाने के लिए। साथ ही में इसमें एक फिल्टर दिया गया है। फिल्टर इसलिए दिया गया है ताकि इसके अंदर बालू या इस तरह का कोई कचरा ना जाए जो आपके पंप को ख़राब कर सकता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। इसको यहाँ पे लगा देंगे, उसके बाद ये कनेक्टर यहाँ पे जो है टाइट कर देंगे। उसके बाद आप जो है हाफ इंची का पाइप अपने अकॉर्डिंग जो है 10 मीटर, 5 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी बड़ी पाइप आप इसके अंदर लगा सकते हैं और अपने टैप के अंदर जो है वाटर कनेक्शन दे सकते हैं। इसको बाल्टी में या किसी टब में या इस तरह नहीं इस्तेमाल करना है। इसको जो है कंपनी कहती है कि डायरेक्ट टैप के अंदर जो है लगाना चाहिए। इस प्रेशर वॉशर से आप अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल, आप अपनी गाड़ी, अपने घर के लॉन, दीवार या फर्श
कुछ भी आप अपना आसानी से क्लीन कर सकते हैं। और इसके अंदर जो मोटर दिया गया है वो कॉपर वायर है, कार्बन ब्रश मोटर है इसके अंदर और कॉपर वाइंडिंग के साथ है। और इसके अंदर जो पंप है, पंप जो है आपका मेटल का है हाई क्वालिटी में। उसके बाद जो ये वायर की लेंथ है आपका तार जो है आप लगभग 5 मीटर इसके अंदर इसके साथ जो है 5 मीटर की लेंथ है लगभग, और पाइप की भी जो लेंथ है वो लगभग 5 मीटर है। गन में यहाँ पे देख सकते हैं आपको, यहाँ पे जो है वायर को रखने के लिए ये यहाँ पे लगता है, इस तरह ये लग जाता है और वायर यहाँ पे हैंग हो जाता है। और गन को रखने के लिए इसके पीछे जो है ये प्रोडक्ट लगता है, ये अटैचमेंट। उसके बाद जो है गन आप इसको खोलकर इस तरह, और इसके साथ ये नोजल आपका इस तरह लग जाएगा। इसको आप इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं, ये भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसको खोलकर खींच लीजिए और इसको भी यहाँ पर हैंग कर सकते हैं आप। ये गन में एक सेफ्टी फीचर्स भी होता है बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। यहाँ पे ये एक स्विच दिया हुआ है, पुश करके इसको जो है ऊपर कर लेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो इससे क्या है, कोई बच्चा अगर मान लीजिए मशीन लगी हुई है आपकी और कोई बच्चा आके इसको दबाए तो वो दबे ना, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक है बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, और इसलिए ये कंपनी ने ये सेफ्टी फीचर्स दिया हुआ है इसके अंदर। गन में तरह तरह के जो है एडिशनल अटैचमेंट आते हैं, ये आपको अलग से परचेज करने पड़ेंगे, इसके साथ नहीं देती है कंपनी। जैसे कि एक फोम है, फोम बॉटल, ये भी आपको अलग से परचेज करने पड़ेगा। ये इसके गन में जो है आगे का नोज़ल निकालने के बाद ये आगे लग जाता है, फोमिंग के लिए है। इसके अंदर फोम भर के आप जो है कार में या जहाँ भी आपको यूज़ करना है कर सकते हैं। और सेम प्रोसेस है लगाने का, इसको पुश करके आप जो है मूव कर दीजिए। ये यहाँ पे जो है एडजस्टिंग दी हुई है फोम को निकलने के लिए, ये अपने अकॉर्डिंग जो है आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना आप फोम जो है इसमें से निकालना चाह रहे हैं। फोम गन लगने के बाद कुछ इस तरह दिखेगी, ये आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, इसके साथ नहीं देती है कंपनी। और पुश करके ही ये वापस से निकल जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।